Assalamualaikum. Good morning, students. How are you? Hope you are fine and enjoying good health. Now let's start our work. Unit number two, learning good habits. किसके बारे में हम सीखेंगे? अच्छी आदत के बारे में. Learning good habits, अच्छी आदत सीखना. Lesson name, unit name है learning good habits. आगे lesson name है. Your school, आपका school. Your school is called a primary school or junior school. Your school is called, आपका school कहलाता है, यानी जिसे हम कहते हैं a primary school. Primary school कौन सा school होता है? जहाँ 5 तक classes हों. और junior school, junior school में किधर तक classes होती हैं? कौन सी? 8 तक. When you are older, जब आप बड़े हो जाएं, You will go to a senior school. तब आप कहाँ जाते हैं? Senior school में, यानी जहाँ पे 10th तक classes होती हैं, matric तक classes होती हैं. When students leave school, जब तालिबिन जो है school छोड़ते हैं, they usually go to a college and some go to a university. कि जब students school छोड़ते हैं, तो वो अमूमन कहाँ जाते हैं? Colleges में जाते हैं या कुछ जो हैं वो universities में जाते हैं. ये नीचे पिक्चर्स में आपको देखें क्लासरूम दिखाया हुआ है कि क्लासरूम में आप ऐसे बैठते हैं ना, डेस्क पड़े होते हैं, आप बुक्स रख के ऐसे क्लासरूम में बैठते हैं. नेक्स्ट नीचे है स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल इन प्राइमरी स्कूल. पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स गोइंग टू कॉलेज, स्टूडेंट कॉलेज जा रहे हैं. ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो कॉलेज जा रहा है. स्टूडेंट्स एट डिफरेंट स्कूल्स एंड एट कॉलेज लुक लाइक दिस. मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स कैसे दिखते हैं, कैसे दिखाई देते हैं? ये है प्री प्राइमरी, यानी जो प्ले ग्रुप होता है. प्री प्राइमरी में बच्चे खेल के साथ पढ़ते हैं, यानी उनको खेल खेल में पढ़ाया जाता है. प्राइमरी स्कूल के बच्चे ऐसे यूनिफॉर्म प्रॉपर तैयार होके बैग लेके जाते हैं स्कूल. ये है सीनियर स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट. यानी इधर आपको 4 टाइप के स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं कि वो स्टूडेंट्स कैसे होते हैं. स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ऐसे दिखते हैं. अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे रीडिंग. देयर आर मैनी थिंग्स एंड मैनी पीपल इन अ स्कूल. स्कूल में बहुत सी चीज़ें और बहुत से लोग होते हैं. अब हम उनके मुतालिक पढ़ेंगे कि वो कौन कौन लोग होते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल में यूज़ होती हैं. हेयर इज़ द लाइब्रेरी. यहाँ क्या है? एक लाइब्रेरी दी हुई है. लाइब्रेरी क्या होती है? एक ऐसा कमरा जहाँ पे बुक्स कलेक्शन होती है. जो स्टूडेंट जिनको सिलेबस में कोई डिफ़िकल्टी होती है, वो वहाँ से बुक की हेल्प लेके वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं. और लाइब्रेरी में कैसे बैठना चाहिए? बिल्कुल खामोशी से बैठना चाहिए. वहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपकी. बिल्कुल खामोशी से लाइब्रेरी में बैठ के रीडिंग करनी चाहिए. नेक्स्ट पिक्चर, हेयर इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफिस. ये क्या है? प्रिंसिपल का ऑफिस है और ये प्रिंसिपल बैठी हुई है पिक्चर में. वाओ, ये आपको प्रिंसिपल का ऑफिस नज़र आ रहा है. आपके स्कूल में भी प्रिंसिपल ऑफिस है ना? स्कूल में और क्या होता है? हेयर इज़ द कंप्यूटर लैब. कंप्यूटर लैब है जहाँ पे कंप्यूटर होता है और आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है. स्कूल में एक कंप्यूटर लैब भी होता है. ये पिक्चर में क्या है? वाओ, प्लेग्राउंड, स्विंग्स, टक शॉप. Everyone enjoys going to the playground and the tuck shop. यानी हर कोई जो है वो enjoy करता है कहाँ जाके? Playground में जाके और tuck shop पे. Tuck shop और playground में जाके enjoy करते हैं सब. Next है learning. You learn about many things in school. आप school में बहुत सी कई चीज़ें सीखते हैं. Learn mean सीखना. आप स्कूल में कई चीज़ें सीखते हैं. हेयर आर सम थिंग्स यू लर्न अबाउट इन योर क्लास.
यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जो आप क्लास में, जिनके मुतालिक आप क्लास में सीखते हैं। ये क्या है, ये बच्ची क्या कर रही है यहाँ पे? वाह, ये तो राइटिंग कर रही है, लिख रही है। आप क्लास में राइटिंग सीखते हैं ना, लिखना सीखते हैं, टीचर आपको लिखना सिखाते हैं कि कैसे आपने लिखना है, मार्जिन ड्रॉ करनी है, डेट डे लिखना है, नोटबुक रेडी करना, फिर उस पे राइटिंग कैसे करनी है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग करना आपको सिखाते हैं टीचर्स। नेक्स्ट पे है नंबर्स, आप नंबर्स सीखते हैं। नंबर्स में आपके क्या आता है, काउंटिंग आती है, टेबल्स आते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन नंबर्स आप सीखते हैं। मैथ्स में आपको नंबर सिखाए जाते हैं ना। नेक्स्ट है पेंटिंग, वाओ, आप आर्ट के पीरियड में पेंटिंग करते हैं ना, आर्ट की बुक पे कलरिंग करते हैं, फिर आपके ब्रश पेंट वगैरह पेंटिंग भी करते हो, तो आप स्कूल में सीखते हैं ना, बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, और उनमें क्या आता है, राइटिंग, नंबर्स, पेंटिंग, रीडिंग और दूसरी भी बहुत सी एक्टिविटीज़ जो आपको स्कूल में करवाई जाती हैं, वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हों या नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़। आई होप आपको रीडिंग की समझ आ गई होगी कि आज हमने क्या पढ़ा है। स्कूल, आपके स्कूल के बारे में पढ़ा है कि स्कूल, प्राइमरी स्कूल भी होते हैं, जूनियर स्कूल भी होते हैं, सीनियर स्कूल भी होते हैं, फिर बच्चे प्राइमरी स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, स्टूडेंट्स कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल जब उनका कंप्लीट हो जाता है वो कॉलेजेस जाते हैं, फिर उसके बाद हमने डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स कैसे वो दिखते हैं, किस तरह नज़र आते हैं वो पढ़ा। उसके बाद हमने बहुत सी चीज़ें जो स्कूल, बहुत सी चीज़ें और लोग जो स्कूल में होते हैं वो पढ़े। फोर पिक्चर्स एक्सप्लेन की गई हैं कि कौन कौन सी जगहें होती हैं स्कूल में और वहाँ क्या क्या करते हैं वो आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने सीखा कि स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें सिखाई जाती हैं हमें। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।